नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोठा और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान का रण पूरी तरह से सज चुका है। तमाम रणबांकुरे कांग्रेस और बीजेपी के अपने मैदान में डट चुके हैं एक दूसरे को पटखनी देने के लिए। लेकिन इस बीच हमारी नजरें उन तमाम हॉट सीट पर है जहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। उनमें से एक सीट है कोटा उत्तर की, जहां पर दो दिग्गज आमने सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस के मंत्री शांति धारीवाल तो दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता वरिष्ठ नेता प्रहलाद गुंजल। ऐसे में माना जा रहा है कि कोटा उत्तर में मुकाबला बड़ा दिलचस्प है क्योंकि दोनों ही दिग्गज नेता आमने सामने हैं, कांटे का मुकाबला है। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि कोटा में किसको लगेगा राजनीति का कांटा और किसको मिलेगा ताज। और इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कोटा उत्तर से बीजेपी के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल सीधा हमारे साथ में मुखातिब हो चुके हैं। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान तक पे। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। प्रहलाद जी, कहा जा रहा है कि इस बार कोटा उत्तर की जो फाइट है वो बहुत टफ है क्योंकि मंत्री शांति धारीवाल के सामने प्रहलाद गुंजल है, क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई टफ मुकाबला है। टफ लोग इसलिए मानते हैं कि एक समुदाय विशेष के भूतों की थोड़ी बहुत वहां पर संख्या है, लेकिन इस बार उनमें भी मंत्री शांति धारीवाल को लेकर जो विद्रोह देखने को मिल रहा है, मैं नहीं मानता कि कहीं मुकाबला टफ है। ये आज विश्वास किसी को हो ना हो, 3 तारीख को जब परिणाम आएगा तो सामने आ जाएगा, कोई मुकाबला नहीं। चुनाव एक तरफा है और इसका दृश्य अगर आपको देखना है ना, आज तो फिर मेरा जनसंपर्क आखिरी दिन है, पर पूरे पिछले 15-16 दिनों से सवेरे 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक सड़कों पर ऐसा लगता है जैसे रोड शो है। और जो उत्साह सवेरे 8 बजे देखने को मिलता है, रात के 2 बजे भी वही उत्साह बना रहता है लोगों। जी बिल्कुल प्रहलाद जी, लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है कई लोगों के द्वारा कि कोटा में शांति धारीवाल ने बहुत कुछ विकास के जो कार्य है वो करवाए हैं, तो क्या ऐसे में उनका पलड़ा भारी हो सकता है? ये तो कोटा शहर के लोगों की आत्मा से पूछिए। विकास के नाम पर जो रेड लाइट फ्री शहर बनाने का वो दावा करते हैं, शहर के प्रमुख चौराहों को तिरायों में बदल दिया, किसी भी दिशा में से आइए और दाहिनी तरफ मुड़ के बताइए, बंदी कर दिए, रास्ते बंद कर दिए, और ऐसे हालात हो गए कि एक चौराहे को बनाने के लिए 3-3 चौराहे और बनाने पड़े और शहर जाम का शहर बन गया है, परमानेंट प्रॉब्लम हो गई है। ये शहर का आम वासिंदा महसूस करने लगा है कि विकास के नाम पर जो अंधी लूट हुई है, जो अनियोजित काम हुए हैं, मैं समझता हूँ कोटा शहर को इसका खामियाजा लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। बल्कि हमको तो कभी कभी लगता है कि महानगरों के कल्चर में सड़कें चौड़ी और चौराहे छोटे होते हैं, ये जो एक एक चौराहे पर 40-40 करोड़ रुपया लगा दिया बेवजह कमीशन खोरी के चक्कर में, मैं समझता हूँ कल जाकर जब आबादी का और यातायात का दबाव बढ़ेगा तो जनता का पैसा व्यर्थ जाएगा, कई चौराहे छोटे करने पड़ेंगे हटा के। इसलिए कोई इस भ्रम में नहीं है कि कोई बहुत विकास किया है, और विकास किया तो भ्रष्टाचार कितना किया है, और आप लोगों के पास अंदाजा नहीं है, मैं तो पिछले 3-4 साल से कह रहा हूँ किस कीमत पर विकास। 50 साल म्युनिसिपल पैरा फेरी में जहाँ कोटा शहर की आबादी नहीं पहुंच सकती, वहां की 1-1 इंच जमीन को कौड़ियों के दाम बेच दिया, विकास इनका लक्ष्य नहीं रहा। इनका लक्ष्य रहा मेरे पास उम्र का अभाव है, रात जाने वाला है, जो कुछ मेरे और मेरे परिवार के लिए जिंदगी का आखिरी दाव है, 2023 का चुनाव है। भाई कोई एक उम्रदराज सीनियर नेता अपनी जिंदगी का आखिरी दाव खेलकर सारे शहर को दाव पे लगा दे, मैं समझता हूँ इसको विकास नहीं कहते, ये विनाश का मार्ग है। 50 साल कोटा विकास की दरकार किससे पूरी करेगा? आपने सारी लैंड बैंक को खुर्द-बुर्द कर दिया कमीशन खोरी और तुरंत पैसा चाहिए कौड़ियों के दाम पे दो। प्रहलाद जी, आप धारीवाल जी पे भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाते आए हैं, उस पे भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में कोटा आकर के गए हैं, वहां पर मंत्री धारीवाल को जमकर घेरते हैं, ऐसे में क्या लगता है इसका फायदा आपको मिलेगा कहीं ना कहीं? देखिए स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री की बात को तो आज पूरा हिंदुस्तान ब्रह्म वाक्य की तरह स्वीकार करता है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा इसका मतलब अकाटे सत्य, ये साख भी देश में होना किसी नेता की कोई साधारण बात नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी आरोप लगाया है, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि भाई ये तो बड़ी भ्रष्टाचार तो बड़ा
अजीब बात है, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने मुंह काला किया इनका, भ्रष्टतम कह के, महाभ्रष्ट कह के, और प्रधानमंत्री जी ने तो वो कहा जो दुनिया देख रही है, ये 600 करोड़ का रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट था और 1442 करोड़ कर दिया। आखिर ये पैसा बढ़ा है तो गया कहाँ? और इस खेल में पांच पांच छह छह कलेक्टर बदल दिए भाई, गलत काम पर दक्षत करो नहीं तो तबादला लो। और इसमें सारा का सारा मुख्यमंत्री का संरक्षण रहा है। ठीक है, आपने राहुल गांधी जी की बात जी, प्रहलाद जी आपने राहुल गांधी का जिक्र किया है, राहुल गांधी बूंदी आते हैं लेकिन कोटा नहीं आते हैं, ऐसे में इस तस्वीर को क्या किस तरह से देखें? क्योंकि जिस तरीके से कहा गया कि मंत्री शांति धारीवाल को टिकट भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, इस तरह की भी चर्चाएं हुई थी, इस पिक्चर को हम कैसे देखें? देखिए कोटा शर्मसार है, जब राहुल गांधी और सोनिया जी ने कहा कि शांति धारीवाल महाभ्रष्टम व्यक्ति, टिकट नहीं देना चाहिए, और मुख्यमंत्री ने जोड़ तोड़ करके नैतिकता के सारे पैमाने खूंटी पर टाक कर जिसको महाभ्रष्ट पार्टी ने कहा उसको टिकट दिला दिया, और वो कोटा से क्लीन चिट चाहते हैं। भाई कोटा की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, मैं समझता हूँ कि कोटा की जनता जो है कांग्रेस द्वारा जिसको महाभ्रष्ट कहा गया उसको क्लीन चिट नहीं देगी। और धारीवाल जी का एक ही किस्सा थोड़ी है साहब, धारीवाल जी की बदजुबानी ने पूरे देश में राजस्थान को शर्मसार किया, अपमानित किया, खासतौर से जब महिलाओं के लिए बलात्कारियों को मर्द की संज्ञा राजस्थान की विधानसभा में परिभाषित करने की कोशिश की हो, तो आप कल्पना कर सकते हो राजस्थान की साख दुनिया में क्या है। इसको वीर परसुता धरती कहा गया, या माताओं की कोख से सूरमा पैदा होते रहे हैं, और इसीलिए कवियों ने कहा मायर संता सूरारी या भीम बाकुरे बिरारी, या माँ की कोख से संत पैदा होते हैं, सूरमा पैदा होते हैं, भीम जैसे रणबांकुरे पैदा होते हैं, इसलिए दुनिया और राजस्थान की वीरता को सलाम करती है। और यहाँ बलात्कारियों को मर्द कह दिया भाई, 100 साल बाद अगर ये धारीवाल जी का बयान राजस्थान विधानसभा की इतिहास की प्रॉपर्टी बन गया गलती से, तो हमारा जो गौरवशाली इतिहास है जिसके कारण राजस्थान को श्रद्धा और सम्मान से लोग देखते हैं उस पर कालिक पुत जाएगी भाई। यह तो बहुत बड़ा अपराध किया है इस मंत्री जी ने, इस तरीके की बदजुबानी करके मातृशक्ति का कितना बड़ा अपमान है। बलात्कारियों को आपने मोटिवेट कर दिया कि बलात्कार भी मर्दानगी है, फिर किस दिशा में आप राजस्थान को ले जाना चाह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जनता इसके लिए माफ नहीं करेगी जी। प्रहलाद जी, लेकिन जब राजस्थान का रण है तो ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप की तोपे जो है एक दूसरे की तरफ से बराबर निकल रही है, ऐसे में शांति धारीवाल आप पर क्यों आरोप लगाते हैं? गुंडा तक कहने से वो कई बार गुरेज नहीं करते, ऐसा क्यों? आखिरकार ये आरोपों की वजह क्या? प्रहलाद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं क्या? बताइए जी। जी बिल्कुल प्रहलाद जी, बताइए। जिस नेहरू गांधी के नाम पर 50 सालों से कांग्रेस पार्टी चल रही है, वो आजादी की लड़ाई में कई बार जेल गए, आपने क्या किया है? आप और आपके पिताजी और ये एक बार भी लोगों के लिए लड़ते हुए जेल गए क्या? पूरी जिंदगी भर सोफिस्टिकेटेड और भ्रष्टाचार की राजनीति की है। मुझे गुंडा कहने वालों को ये तमीज होनी चाहिए कि प्रहलाद गुंजल लोगों के लिए संघर्ष करते हुए बड़े बड़े आंदोलनों में जेल गया है। एक भी मुकदमा हमारे खिलाफ धारीवाल जी जैसा नहीं है कि विद्यार्थी जीवन में कोई लड़की लेकर भाग जाए और पुलिस पकड़कर अदालत में पेश करे कि एक मंत्री के बेटे पर इस प्रकार के आरोप। एक बताए तो उसे हमारे चरित्र बर्दाग। और धारीवाल जी काफिले को चेक कर लो ना आज, आप अभी ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क गुंडे कोटा शहर के हर थाने में जिनका फोटो होगा वो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। प्रहलाद गुंजल विशाख लोगों के, हजारों लोगों के बीच में अकेला घूमता है ना भाई। हमारी ताकत और हमारी दौलत और हमारी शक्ति जो कुछ भी है लोगों का विश्वास है। वो एक उम्रदराज नेता की बौखलाहट, उनको लग रहा है मैं हारने वाला हूँ। प्रहलाद गुंजल पर और तो कोई आरोप नहीं है, मैं यही कहूँ कि मुझे बताइए कि एक तो गुंडागिरी का उदाहरण बताइए कहाँ की है। 5 साल में आपको हराकर MLA रहा हूँ, कोटा शहर मेरी नेचर को जानता है, मैं आम आदमी के लिए जीता हूँ मरता हूँ और लड़ता हूँ तो व्यवस्था से लड़ता हूँ। व्यवस्था का चेहरा तो कितना खतरनाक बन गया है, गरीब आदमी महसूस करता है कि व्यवस्था में मेरा तो पैरोकार कोई है ही नहीं। और जब प्रहलाद गुंजल जैसे लोग भी उनकी आवाज बनना बंद कर देंगे धारीवाल जी जैसे सोफिस्टिकेटेड लोगों के आरोपों से, तो गरीब आदमी मर जाएगा भाई, उसकी आवाज ही खत्म हो जाएगी। हमारी जो कुछ दादागिरी है जिसको धारीवाल जी कह रहे हैं वो गरीबों की आवाज है भाई, उनकी आवाज पर झंझनाहट होती है मन में उनके लिए। धारीवाल जी के पास ये झंझनाहट और संवेदना थोड़ी है, वो तो पैसे वाले लूट कसोट वालों के नेता है भाई। बिल्कुल प्रहलाद जी, कोटा के एक तराजू में ये कहा जा रहा है
शांति धारीवाल के विकास कार्य है, दूसरे तराजू में जो आरोप लग रहे हैं उन पे भ्रष्टाचार के, महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से वो बेबाकी से बेतुके बयान देते हैं वो आरोप भी लगे हैं, कौन सा पलड़ा भारी है उनका? नूपुर जी आपका खुद का माइक नहीं पकड़ा क्या? आपको जिल्लत देने की कोशिश नहीं की क्या? हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, हम उन संस्कारों के व्यक्ति हैं और धारीवाल जी के संस्कार देखिए ना, वीरांगना का मतलब आप समझती है क्या होता है? हिंदुस्तान समझता है? वीरांगना जब सामने खड़ी होती है तो सारे भारत का माथा अदब से झुकता है कि बहन ये तेरा, ये पूरा भारत तेरा ऋणी है, कर्जदार है, तेरी मांग में सिंदूर नहीं दिख रहा है, इसके बदले भारत का लोकतंत्र सुरक्षित है, भारत की सुख शांति समृद्धि सुरक्षित है, उन वीरांगनाओं के लिए कह दे, ये नाते बैठ जाती है, भाग जाती है इधर उधर, सारा भारत शर्मसार हुआ, लज्जित हुआ भाई। और ये अभी एक बिहार के कायस्थ परिवार की पौने 15-16 साल की बच्ची आत्महत्या कर लेती है तनाव में। मैं इसको सैकड़ों बार कहने का प्रयास करता हूँ, मंत्री धारीवाल उस बच्ची पर आरोप लगाते हैं कि तो प्रेम प्रसंग और लफड़े में, बेचारा उसका पिता पोस्टमार्टम रूम के बाहर माथा फोड़ फोड़ के रोता है कि बताओ कोई सबूत हो तो क्यों मरने के बाद मेरी बच्ची के दामन पर काले धब्बे लगा रहे हो। और दो दिन बाद पुलिस का बयान आता है कि वो तो माँ बाप की याद में मानसिक तनाव में मम्मी पापा की याद आ रही है, घर से 1200 किलोमीटर दूर हूँ, डायरी लिखती थी, तनाव में सुसाइड कर बैठी। और ये प्यार घर के प्रेम प्रसंग में आदमी मानसिक अवसाद में आ ही जाता है भाई। और ऐसा नहीं है तो फिर रामायण जी को सुनते सुनते राम के विरह में दशरथ ने प्राण त्याग दिए, क्यों रोने लग जाती है माता बहने? वो तो हमारे लिए हृदय में आत्मा में अश्रु धारा की सिंचाई करके विचारों की पवित्रता लाने का माध्यम बन गया। पर एक मासूम मम्मी की पापा से दूर अगर चली गई तो धारीवाल जी कहते हैं तो इसके लफड़े में चली गई। ये बदजुबानी जो मंत्री की है ये शर्मसार कर रही है हमको, और कोटा इस बदजुबानी का हिसाब किताब चुकाने के लिए तैयार बैठा है। नूपुर जी आप इंतजार करिए 25 के बाद 23 तारीख का। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल लूंगी, आप ये बता दीजिए कोटा उत्तर में बीजेपी को जनता और आपको क्यों वोट दे, वजह बता दीजिए। प्रहलाद गुंजल 5 साल यहाँ एमएलए रहा है, बीजेपी को तो वोट इसलिए देगी, मोदी जी के नेतृत्व में सारा भारत आगे बढ़ रहा है, दुनिया ने भारत की ताकत को देखा है। जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, विश्व युद्ध की आशंका से भयभीत दुनिया यूक्रेन से अपने लोगों को निकालने में भगदड़ मच गई, तब भारत का रुतबा देखा है मोदी जी का, तिरंगा झंडा लेकर जो लोग पैदल चल पड़े, युद्ध विराम हो गया और पाकिस्तान के लोग चांद तारे के नीचे निकलने का साहस नहीं कर पाए, तिरंगे की आड़ में निकल पाए। ये भारत की और सनातन की बढ़ती हुई ताकत दुनिया देख रही है, इसलिए बीजेपी को वोट देगी और प्रहलाद गुंजल को इसलिए वोट देगी। मैंने समाज की बेसिक जरूरत पर पानी बिजली सड़क जो हर व्यक्ति की 24 घंटे की आवश्यकता है, मेरे 5 साल के विधायक काल में मैंने इतना काम करके दिया है कि धारीवाल जी के 15 साल का मिनिस्टर का कार्यकाल मेरे बराबर तुलना नहीं कर सकता इस कोटा शहर में। खाली बड़े काम करना, लूट कसोट करना, बड़े कामों में भी जो आवश्यकता, बैराज के समानांतर पुल, रंगपुर का पुल, चंबल की दोरी पुलिया, एमबीएस अस्पताल को 750 अस्पताल बेड का बना देना, ये सारे काम वैसे जरूरत के मैंने किए, लोगों को लगता है। और फिर हरी बीमारी तहसील थाना 24 घंटे एक टांग पर लोगों के लिए खड़े रहते थे। लोकतंत्र में सरकारें सुरक्षा की गारंटी होती है, भय का कारण नहीं होता। हम लोगों के लिए मन में सुरक्षा का भाव बने रहते थे। प्रहलाद गुंजल है, कोई तकलीफ होगी मदद करेगा। धारीवाल जी तो शहर को डरा के रखते हैं भाई, जिनके वोट से ताकत पाते हैं उन्हें भयग्रस्त करके रखते हैं। आपको डराया नहीं गया मोबाइल पकड़ के? इसलिए जनता तैयार बैठी है। मैं समझता हूँ उनके घर के बाहर इस शहर ने बहुत जिल्लत बर्दाश्त कर ली, नीम के पेड़ के नीचे खड़े खड़े, जैसे थानों में पैरी संतरा पर हुआ है ना, पैरी संतरी, पैरा संतरी जो जरायम पैसा चोरों को एक कोने में बैठा देता है, ऐसे उनके घर के बाहर उनके सुरक्षा गार्ड नीम के पेड़ के नीचे शहर के इज्जतदार लोगों को बैठाते हैं। चलिए प्रहलाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के बेबाकी के साथ में जवाब देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कोटा उत्तर से बीजेपी के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बेबाकी से दिए हैं और बीजेपी की जीत का दम भरते हुए प्रहलाद गुंजल दिखाई देते हैं। साथ ही कोटा उत्तर की सीट जो है इस बार बीजेपी के हाथ में होगी, ये बात प्रहलाद गुंजल खुद कहते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बहरहाल अब देखना यह होगा कि 3 दिसंबर को नतीजों की तस्वीर में क्या कुछ रहता है। कोटा उत्तर की सीट पर
कौन होगा इस बार, धारीवाल या गुंजल? इसके लिए इंतजार कीजिए 3 दिसंबर के नतीजों का।